भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने हाल ही महेंद्र सिंह धोनी और सिरसंत को लेकर एक मजेदार किस्सा शेयर किया। इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सिरसंत के गुस्से को कंट्रोल करते थे। वहीं रॉबिन उथप्पा ने 2007 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए T20 मुकाबले का एक वाक्य बताया। ये मैच मुंबई में खेला गया था और इस मैच के दौरान सिरसंत किसी बात पर गुस्सा हो गए थे। ऐसे में धोनी ने अपने अंदाज में सिरसंत को समझाया। वहीं रॉबिन उथप्पा ने एक यूट्यूब शो के दौरान बताया कि ये मैच वर्ल्ड कप के बाद हुआ था। वहीं रॉबिन उथप्पा ने बताया कि या तो एंड्रयू सिमंड या हसी बैटिंग करते हुए रुक गए थे, तब सिरसंत बॉलिंग कर रहे थे। बल्लेबाजों को रुकने से सिरसंत गुस्सा हो गए और उन्होंने जाकर स्टंप उखाड़ दिए और कहा कि कैसा रहा। ये देखकर धोनी दौड़ते हुए आए और सिरसंत को खींचते हुए कहा कि जाकर गेंद डालो भाई। वहीं रॉबिन उथप्पा ने कहा कि अगर किसी ने सिरसंत को सही से संभाला तो वो धोनी ही थी। वहीं यूट्यूब के दौरान रॉबिन उथप्पा ने 2007 T20 वर्ल्ड कप का किस्सा भी शेयर किया। इस वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटर मिसबाह हक ने आखिरी ओवर में जोगिंदर शर्मा की गेंद पर स्कूप शॉट लगाया। ये बॉल शॉट फाइन लेग पर खड़े सिरसंत के पास गई थी और सिरसंत ने उनका कैच लपक लिया। वहीं भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप भी जीत लिया। वहीं रॉबिन उथप्पा ने बताया कि वो खुद उस दौरान लॉग ऑन पर खड़े थे। वहीं रॉबिन उथप्पा ने अपने क्रिकेट करियर में आई गिरावट की वजह भी बताई। उन्होंने अपने करियर में गिरावट का कारण बताते हुए उथप्पा ने कहा कि हर बार उनकी पोजीशन बदलने से उनका नुकसान हुआ। वहीं रॉबिन उथप्पा ने बताया कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय करियर में 3 से ज्यादा मैच में एक जगह बैटिंग नहीं की। वहीं हर तीसरे मैच में उन्हें नई पोजीशन पर खिलाया जाता था। वहीं रॉबिन ने कहा कि अगर वो एक ही जगह पर बैटिंग करते तो 39 की जगह 149 या 249 मैच खेल जाते। जय हिंद।